ये मोदी के लिए कितना बड़ा संकट है और मोदी सरकार के लिए कितना बड़ा संकट है। बहुत बड़ा संकट है। और जैसा कि शीतल जी कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि ये वाला जो है मोदी जी पर चिपक सकता है। एक अंतर है, पहले जो दो आरोप बड़े बड़े लगे उसमें क्या था कि देश के भीतर उसका फॉलआउट था। इस बार चूंकि ये चीज बाहर से आई है और बाहर अमेरिका से आई है, और अमेरिका मतलब आप समझ लीजिए इस चीज को, इसको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो ये प्रभाव बड़ा लंबा जाने वाला है। और भारतीय प्रेस जो भी कर ले भाई, एक छोटा सा रिपोर्ट आने से अगर अंबानी से ज्यादा जो दौलत उड़ जाए 5 दिन में, अब हम लोग क्या जानते हैं हिंडनबर्ग के बारे में, कुछ नहीं जानते, और क्या जानते हैं शेयर मार्केट का, कुछ नहीं जानते, लेकिन एक रिपोर्ट आती है और पूरा देश को हिला देती है। तो ये हिल गया है। और आप एक चीज समझ लीजिए मुकेश जी, कि इसमें अभी देश के 70 करोड़ लोगों का स्टेक इन्वॉल्व है। 70 करोड़, आप ध्यान से सुन लीजिए, जी 70 करोड़, जिसका पैसा बैंकों में है, जिसका शेयर मार्केट में शेयर है, जिसका LIC के पॉलिसी धारक हैं, ये सब मिला के 70 करोड़ के लगभग मेरा अनुमान है कि है लोग। तो जी अगर वो प्रभाव पड़ेगा, इतना से इतना नीचे आएगा, हर कोई सवाल कर रहा है क्या हो गया। आज मैं भी अपना देख रहा था कि देख लो इस बैंक में क्या पैसा है मेरा, है भी नहीं है क्या है। इस तरह से जो अगर चीजें हो जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। मैं जी मानता हूं कि SBI और LIC बहुत बड़ी कंपनियां हैं, वो संभाल सकती हैं, लेकिन जो इसका चौतरफा जो असर है, मुझे तो और दो चीज और लगती है। एक कि ये घोटालों का जो आरोप और पर्दाफाश है वो यही रुकने वाला नहीं है, ये और आगे बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, पक्का, ये बस समझ लीजिए शुरुआत है। दूसरा कि सिर्फ अडानी आज डॉक में नहीं है, इसे पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और बड़े बड़े उद्योगपति, जहां इनके बीच कंपटीशन चलता है अडानी का, अडानी बहुतों को डकार गए हैं या अडानी बहुतों को एनेक्स कर चुके हैं, क्योंकि इनका पूरा बिजनेस एक्विजिशन और मर्जर का है, इनका अपना कोई ओरिजिनल बिजनेस नहीं है, तो वो लोग भी बिल्कुल खार खाए बैठे होंगे। तो अब यह है कि हो सकता है कि मोदी जी मान लीजिए एक देश के ऊपर हमला बोला था, उन्होंने क्या कहते हैं वो कहा है अडानी के लोगों ने, तो अगर मान लीजिए मोदी जी बचाते भी हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि फिर अडानी डोमेस्टिकली तो चुप नहीं रहेंगे, वो भी अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर निशाना साधवा सकते हैं। ये तो ये डबल जेपडी है, दो तरह से आप कह मार रहे हैं कि होगी, एक कारपोरेट वार शुरू हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्या चल ही रही थी, ये अब और उजागर हो जाएगा, क्योंकि छोड़ेगा नहीं कि हम तो डूबे सनम वाला होगा। और चूंकि इसमें अमेरिकन कंपनी इन्वॉल्व है, तो मुझे तो इसके लार्जर डिजाइन भी नजर आते, क्योंकि वो जी बोलना ठीक नहीं होगा, वो लार्जर जी डिजाइन है, तो उसमें हमको उसमें कोई शक नहीं है कि लार्जर डिजाइन भी हो सकता है। और आप देखिए ना, कोई अगर देखिए कंपनी का पहला सतीश जी, डिफेंस ये लार्जर हो, डिजाइन हो भी सकता है, लेकिन मुख्य मुद्दा तो ये है कि कंपनी में ही पोल है, अडानी साहब के कामकाज में ही पोल है, तो वो तो सामने आया है, उसको तो कोई डिनाई कर नहीं सकता है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम मैं ला ये सकते कह हैं रहा हूं बाहर। मुकेश जी, बस मैं एक लाइन ये कह रहा हूं कि अडानी जी की चीजों का आरोप मतलब उजागर हुआ है, कोई और कंपनी भी तो हो सकती थी जिसका उजागर किया जाता। आरोप में क्या होता है, लगा सकते हैं। और क्या पहला डिफेंस दिया है अडानी ने कि देश के ऊपर हमला है, देश के ऊपर हमला जी बोला उन्होंने, इससे तो खुद बिल्कुल ही वो अडानी के लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई लार्जर लोग हैं। तो लार्जर लोग इतने हैं कि आपको इतना हिला डुला के बर्बाद कर सकते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते जी हैं।